press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Condition for collinearity of 3 points. यदि कोई 3 बिंदु दिया गया है और वो तीनों बिंदु आपस में संरेख है तो उसका क्या कंडीशन है। जैसे मान लिया कि ए बी सी 3 पॉइंट्स है, ए का कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन, बी का कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू और सी का कोऑर्डिनेट है एक्स थ्री वाई थ्री। यदि कोई 3 पॉइंट है ए बी सी तो ये तीनों पॉइंट्स आपस में संरेख कब होगा उसका क्या कंडीशन है। तो आपको 10th में ही बताया गया था और आपको 11th में ही बताया गया था कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0, यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो हम लोग समझते हैं कि ये क्या हो जाता है, तीनों बिंदु संरेख हो जाता है, एक रेखीय हो जाता है, एक ही लाइन में हो जाता है ना। तो कहने का मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0 तो ए बी सी कोलिनियर होगा, और यदि ए बी सी कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का मान 0 हो जाएगा। यहां पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0 देन इंप्लाइज ए बी एंड सी आर कोलिनियर। आपसे कोई पूछेगा कि कोई 3 बिंदु आपस में संरेख कब होता है, कैसे पता चलेगा कि तीनों आपस में संरेख है, ये तीनों बिंदु संरेख है इस बात को दिखाना है तो कैसे पता चले, कैसे दिखाइएगा। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, यदि उसका क्षेत्रफल 0 के बराबर आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि एबीसी कोलिनियर होगा। और आपसे पूछा जाए कि ए बी और सी कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या संबंध होगा, तो क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0 तो ए बी सी कोलिनियर, और ए बी सी कोलिनियर होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0 होगा। ठीक है, तो फटाफट आप लोग नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए इस पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेंगे, उसके बाद फिर हम आपसे आगे की तरफ बात करेंगे। ठीक है, हम सीधे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या होगा, 1/2 इंटू ये एक्स वन वाई वन तो हम लिख देंगे -2 5, उसके बाद लिखेंगे हम एक्स टू और वाई टू को तो एक्स टू वाई टू में क्या हो जाएगा -6 -7, तब हम लिखेंगे एक्स थ्री वाई थ्री को तो एक्स थ्री वाई थ्री में क्या है -5 -4। एक बार फिर से देखिए, ये एक्स वन होता है, ये वाई वन होता है, तो यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद लिखें एक्स टू वाई टू को, तब लिखें एक्स थ्री वाई थ्री को। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग 1 1 1 को। अब कुछ भी नहीं करना है, सीधे एक्सपेंड कर देना है, उसका रिजल्ट ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक्सपेंड करना शुरू करेंगे हम लोग, एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन, यानी फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने पर हो जाएगा 1/2 इंटू -2 इंटू ये -2 जिस रो में है और जिस कॉलम में, इसको हम लोग मिटा देंगे तो एक सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट प्राप्त होगा -7 1 -4 1 -7 1 -4 और 1। ये -2 जिस रो में है और जिस कॉलम में, इसको हम लोग मिटाएंगे, मिटाने से एक सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट मिल रहा है जिसको हम यहाँ पे लिख दिए, प्लस के बाद साइन होता है माइनस का। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, पहले प्लस तब माइनस तब प्लस, समझने के लिए लिख रहे हैं। ये -5 इंटू ये -5, एक मिनट, ये 5 जिस रो में है जिस कॉलम में, कौन जिस रो में है और जिस कॉलम, इसको हम लोग मिटा देंगे, कितना होगा -6 1 -5 और ये 1। ठीक है, -6 1 -5 और 1 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा ये 1 इंटू ये 1
जिस रो में है जिस कॉलम में, इसको हम लोग मिटा देंगे, हो जाएगा -6, -7, -5 और ये -4, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 1/2 × -2 × अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ भी नहीं है, सब सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व होता है वैसे ही भी सॉल्व होगा। तो -7 × 1 का मतलब क्या हो जाएगा, -7, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -7। उसके बाद बीच में साइन माइनस का होता है, तो -4 × 1 का मतलब -4, अब बीच में साइन जो माइनस का होता है इसलिए माइनस माइनस प्लस ये 4 हो जाएगा। -5 × -6 × 1 का मतलब हो जाएगा -6। उसके बाद -5 × 1 मतलब -5, अब बीच में साइन माइनस का होता है इसलिए माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। +1 × -6 × -4 का मतलब -24। और इधर देखिए -5 × -7 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो -5 × -7 का मतलब +35, 7×5=35, और बीच में साइन माइनस का होता है तो ये -35 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1/2 × -2 × -7 में से 4 जाएगा तो ये -3, -5 × यहाँ पे कितना आएगा -1, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये सीधे -11 हो जाएगा, ठीक है। कि 1/2 × -2 × -3 ये +6, -5 × -1 का मतलब +5 ही हो जाएगा, और 1 × -11 मतलब ये -11। अब आगे देखिए, तो ये आया सीधे 1/2 × 11 - 11, 6 और 5 को ऐड करेंगे तो 11, और -11 हो जाएगा 1/2 × ये 0 कट जाएगा, 0 होगा, यानी पूरा का रिजल्ट कितना है, 0 है। तो जब पूरा 0 हो गया तो आप क्या लिखिएगा, ABC कोलिनियर, क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC बराबर कितना आया, 0 आया। आप लास्ट में लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC बराबर, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC बराबर 0 आया, इसलिए AB and C आर कोलिनियर। ये तीनों बिंदु आपस में संरेख है, इस बात को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का मान निकालेंगे, और यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो हम समझेंगे कि AB और C आपस में संरेख है। तो लिखिए यहां पे, सीधे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 × या एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC ऐसे ही लिख दीजिए, शॉर्ट में लिखा जाएगा 1/2 × ये हो जाएगा X1 का मान और ये हो जाएगा Y1 का मान, X1 का मान A आया और Y1 का मान B+C, फिर से X2 का मान यहाँ पे B है और Y2 का मान कितना है C+A, उसके बाद X3 का मान आया C और Y3 का मान कितना आया A+B, लिख देंगे हम A+B। उसके बाद किसको लिखेंगे, 1 1 1 को, एक बार फिर से समझिए, X1 का मान A है, Y1 का मान B+C, X2 का मान B है, Y2 का मान C+A, X3 का मान C और Y3 का मान A+B है। उसके बाद थर्ड कॉलम में हम 1 1 1 को लिखें, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 लाना होगा तभी ना ये कोलिनियर होगा, तो क्या करेंगे, ये 1/2 जैसे का तैसे रह जाएगा। एक काम कीजिए, फर्स्ट कॉलम में काम करेंगे, यानी C1 implies C1 + C2 कर देंगे, फर्स्ट कॉलम में काम करेंगे, फर्स्ट कॉलम में सेकेंड कॉलम को जोड़ देंगे। हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में A+B+C का फैक्टर आ रहा है जिसको हम कॉमन ले लेंगे, और जैसे ही कॉमन लेंगे तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो जाएगा, जैसे ही आइडेंटिकल होगा तो हम लोग पढ़ेंगे कि किसी डिटरमिनेंट के किसी दो रो अथवा दो कॉलम का एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो जाए या प्रोपोर्शनल हो जाए तो इसमें डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे इसको, तो हो जाएगा A+B+C, इसको जोड़िएगा तो B+C+A, इसको जोड़ेंगे तो C+A+B, B+C
सी प्लस ए, ए प्लस बी, उसके बाद थर्ड कॉलम में क्या है, वन 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 है, ये वन बाई टू जैसे का तैसे। अब क्या करेंगे कि हम ए प्लस बी प्लस सी को फर्स्ट कॉलम से कॉमन ले लेंगे। जैसे ही ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन लीजिएगा, वन वन वन, ये बी प्लस सी, ये सी प्लस ए, ये ए प्लस बी, वन वन वन। आप क्या देख रहे हैं, वन बाई टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू जीरो। अरे ये तो आइडेंटिकल हो गया ना जी, सी वन और सी थ्री आइडेंटिकल हो गया, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो होगा। जब ये जीरो होगा तो याद रखिए ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी का जो वैल्यू आया है ये फाइनली कितना आया, जीरो है। जब ये जीरो हो गया तो जब एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी जीरो ही हो गया, इसका मतलब कोलिनियर हो गया तीनों पॉइंट्स। लिख देंगे हेंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर, अर्थात ये तीनों ही बिंदु आपस में कोलिनियर हो गया। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि सो दैट ए में दिया गया है टू थ्री, बी में दिया है माइनस वन माइनस टू, एंड सी में दिया है फाइव और एट। ठीक है, आर कोलिनियर, दिखाइए कि ये कोलिनियर। ये पहला क्वेश्चन हुआ। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे इसी टाइप से, कह रहे कि शो दैट ए में दिया है थ्री एट, बी में माइनस फोर टू, एंड सी में है टेन और फोर्टीन। आर कोलिनियर, दिखाइए कि ये सनरेख है। ठीक है, इस चीज को आपको दिखाना है, तो फटाफट आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तब थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू, हैव ए नाइस डे।